यह जो आयोजित किया गया है 15 सितंबर, आज ऐसे भी विज्ञान दिवस है, मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है, इसलिए राज्य सरकार ने यह तय किया था कि आज के दिन यह प्रोत्साहन का कार्यक्रम चलाया जाए और आगे से यह शुरुआत हुआ है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के ऊर्जावान सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, हमारे विभाग के निदेशक युवा श्री वैभव चौधरी जी उपस्थित, अनंत बाबू, चंद्रशेखर सिंह जी, भगवान सिंह जी, विभाग के सभी पदाधिकारीगण, सभी संस्थानों से आए प्राचार्यगण, विभिन्न संस्थानों से आए सभी शिक्षकगण, मेधावी छात्र छात्राओं एवं सभी अभिभावकगण, आप सबको पहले मेरा हार्दिक अभिवादन। सर्वप्रथम मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से यहाँ उपस्थित आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को बधाई देता हूँ एवं उन सभी प्राचार्य तथा शिक्षकों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके कुशल मार्गदर्शन में इन छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और जितनी भी तकनीकी बातें थी वो बातें तो आप लोगों ने सुना, अभी हमारे सचिव महोदय ने, हमारे निदेशक महोदय ने बताया। मैं इन सबसे कुछ ये आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये प्रोत्साहन इसलिए हम लोग अपने तरफ से दे रहे हैं क्योंकि इसके पीछे जब तक हम लोग प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो लोगों को लगेगा नहीं कि मतलब हम अच्छा कर रहे हैं। जब कोई अच्छा करते हैं तो उनको प्रोत्साहित है, जैसे जब आप क्लास में अच्छा करते हैं, जब शिक्षक कहते हैं वेरी गुड, तो स्टूडेंट को बड़ा खुशी मिलता है कि हमने कुछ अच्छा किया। इसीलिए अभी जैसा बताया सचिव महोदय ने कि अगर आप लोग यहाँ से निकल कर आगे जब लीडरशिप पोजिशन पर पहुँचते हैं तब अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ जरूर देखें और वहाँ जरूर जाएं। इन बातों से बड़ा मोटिवेट होते हैं जो जूनियर छात्र होते हैं, जो नए छात्र होते हैं, उनको ये लगेगा कि ये भी तो हमारे ही कॉलेज से पढ़े। और जो स्थिति है आज बिहार की, आज बिहार में मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस विभाग का मंत्री बनते हुए मुझे साल भर सवा साल हुआ है और हमारे कार्यकाल में बिहार के सभी जिलों में अभियंत्रण कॉलेज की स्थापना जो हो गई थी, अब सभी जिलों में अपने आप पढ़ाई इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। एक वक्त हुआ करता था जब बिहार में एक इंजीनियर कोई कहीं किसी गांव में चला जाया करता था तो पूरा गांव उसको देखने के लिए खड़ा हो जाता। आज हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है और हर इंजीनियरिंग कॉलेज से आप जैसे मेधावी छात्र निकल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और इतना ही नहीं, आप लोगों के पढ़ाई के लिए राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, समझ लीजिए एक तरह से मुफ्त शिक्षा आप लोगों को दिया जा रहा है, ये भी इसी कार्यकाल से शुरू हुआ है। और इस वित्तीय और इस जो मतलब इसी सत्र में जो है, इस सत्र के तकरीबन 6000 छात्रों का इस बार नियोजन भी हुआ है। नहीं, ये बहुत अधिक नहीं है, हम इससे बहुत संतुष्ट नहीं है। 6000 छात्रों का अगर इससे नियोजन हुआ तो इससे बहुत संतुष्ट नहीं है, हमारा जोर और रहता है। हमें लगता है कि 100% प्लेसमेंट, उसके लिए हम लोग बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं लगातार। सचिव महोदय हैं, इनसे भी हमारी बात होती रहती है और ये हमेशा फोकस रहते हैं अपने डिपार्टमेंट के प्रति। हमें लगता है कि कोई अपने कार्य के प्रति अगर इतनी गंभीरता से सोचता हो तो अब जब अभी कुछ दिन पहले विभाग का इधर उधर लोग तबादला भी हो रहा था तो मैं भी यही सोच रहा था कि ये हमारे विभाग में रहता कि जो हम लोगों का ट्यूनिंग है, जिस तरह से हम लोग का जो काम करने का जो रफ्तार है, इस रफ्तार में कोई कमी नहीं है क्योंकि नए लोगों के साथ थोड़ा सा परेशानी थोड़ा सा होता है एडजस्टमेंट में। लेकिन अब के समय में हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है विभाग में, जो मैं सोचता हूँ तब तक ये करना है, ये किया जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो प्रोत्साहन राशि आप लोगों को जो दी जा रही है ये बहुत अधिक नहीं है और मैं इसकी अधिक घोषणा नहीं कर सकता कि मैं आप लोगों का बढ़ा दूँ, लेकिन हाँ मैं जरूर प्रयास करूंगा। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से जरूर बात करूंगा कि प्रोत्साहन राशि में कुछ इसमें बढ़ोतरी करें। और जब जब जो जो आप लोगों ने कहा है हम लोग तो करने के लिए तैयार ही रहते हैं। पहले फैकल्टी की कमी हुआ करती थी, अब फैकल्टी भी आप लोगों के पास पर्याप्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि अगले सत्र तक सभी कॉलेज में फैकल्टी की भी व्यवस्था हो जाएगी। और खासकर आप सभी प्राचार्यगण और प्रधानाध्यापकगण, आप सब लोग से मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक कुम्हार की तरह जो मट्टी को बनाता है और ये जो छात्र है वो माटी की तरह, तो जिससे माटी का एक स्वरूप दिया जाता है ये स्वरूप आप ही लोग को देना है। आप गुरु हैं, गुरु के ज्ञान सीखना सब कुछ अधूरा है और
बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू हो गई है। अब तो गुरु के साथ साथ छात्रों छात्र एवं छात्रों को भी अपना 100% अटेंडेंस देना होगा। और ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर आपको मुफ्त शिक्षा दी जा रही है तो ये राशि किसके लिए खर्च की जा रही है? जो लड़के बंक करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बिहार को पहले बीमार राज्य के नाम से भी जाना जाता था, आज बिहार एक विकसित राज्य के नाम से भी जाना जा रहा है। बिहार में बहुत कुछ है, बिहार को एक बहुत, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिहार के पास पहले से कुछ ऐसा था हमारे पास, वैसा कुछ नहीं है हमारे पास, हम लोगों के पास कहीं कुछ नहीं था। जैसे आप कहते हैं अन्य राज्यों को देखकर तो वो राज्य बड़ा डेवलप है, तो बिहार तो लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं ये हमारे पास कुछ नहीं है? लोग तुलना करते हैं कि गुजरात में ये है, लोग तुलना करते हैं कि महाराष्ट्र में ये है। तो गुजरात में लोथल था, भरूच था, जो आज़ादी के पहले से था, वो हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। आज जो मोकामा पुल आप देख रहे हैं, राजेंद्र पुल, वो भी जो आप कह सकते हैं जिनका जिनका जन्मदिन है, उन्हीं के द्वारा वह डिजाइन किया गया था और वो बनाया गया था। ये सब समझिए कि मेधा तो हमारे बिहार में भरा पड़ा है, और बिहार के बारे में बोला ही जाता है स्टेट ऑफ माइंड, कि यहाँ पे दिमाग की कमी नहीं है, लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा आप सभी छात्र छात्राओं से कि आप लोग कुछ ऐसा करें कि अपने परिवार के साथ साथ अपने संस्थान का, पूरे राज्य का और हमारे देश का नाम रोशन करें। और हमें पूर्ण उम्मीद है और भरोसा है कि आप लोग जो चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पीछे हम लोग भी तो खड़े हैं, हम लोग सारा सहयोग देने के लिए खड़े हैं, आपकी पूरी सरकार खड़ी है, और सरकार ने आप लोगों का फीस तक समझिए कि 10 रुपया कर दिया। ये इसलिए किया गया है कि किसी भी अभिभावक को ये ना सोचना पड़े कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, क्योंकि आज के डेट में शिक्षा बहुत महंगी हो गई। इस महंगाई के दौर में भी आपके लिए हमारी सरकार यह सोच रही है, तो हम छात्र छात्राओं से भी कहेंगे कि आप लोग अपना प्रयास इसी तरह से करते रहें और अपना लगातार योगदान पूरे समाज को देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।